नमस्कार, आप देख रहे पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक बार फिर आतंकवादियों ने नापाक साजिश रची है। सेना के काफिले पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला कर दिया और इस हमले में हमारे देश के 5 जवान शहीद हो गए। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बद इंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। बात की जाए तो अभी भी राजौरी में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच लगातार मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में यह बड़ा आतंकी हमला हुआ है। पुंछ में जवानों के काफिले पर यह आतंकी हमला हुआ और इस आतंकी हमले में हमारे देश के 5 जवान शहीद हो गए, लगभग 3 जवान घायल बताए जा रहे हैं। राजौरी में अभी भी लगातार जो है सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 21 दिसंबर को आतंकवादियों ने सेना के 2 वाहनों पर घात लगाकर हमला कर दिया और यह घटना राजौरी के पुंछ इलाके में हुई है, जिसमें हमारे देश के 5 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। बात की जाए तो पिछले महीने ही 22 नवंबर ही वो तारीख थी जब हमने 5 जवान को खोया था और ठीक 1 महीने बाद 22 दिसंबर को आज हमने फिर से 5 जवानों की शहादत दी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बड़ा आतंकी हमला हुआ। पुंछ में आतंकी हमले में बात की जाए तो अब तक 5 जवान की शहादत की खबर सामने आ रही है, 3 जवान घायल बताए जा रहे हैं। अभी भी आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है और उस इलाके की बात की जाए जिस इलाके में ये मुठभेड़ चल रही है, उस इलाके में लगभग 10 से 20 आतंकियों के छिपे होने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खात्मे को लेकर एक सर्च ऑपरेशन अभियान चला रही थी और इसी सर्च ऑपरेशन अभियान में अतिरिक्त पुलिस फोर्स भेजे जा रहे थे और इसी दौरान जो है आतंकियों ने घात लगाकर सेना के 2 वाहन पर आत्मघाती हमला किया, जिसमें हमारे पहले 3 जवानों की शहादत हुई थी और 3 जवान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे थे, लेकिन अब कुल जो है 5 जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं। वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि ये कितना दुर्गम इलाका है, पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है और इसी इलाके में जो है बीते लगभग 24 घंटे से जो है सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच लगातार मुठभेड़ जारी है। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि ये इलाका कितना दुर्गम है और बार बार की बात की जाए तो जब भी पाकिस्तान जो है ये नापाक साजिश रचता है भारत के खिलाफ, बात की जाए तो ऊंचाई के कारण जो है हमारे जवानों की शहादत होती है। ऊंचाई से आतंकी घात लगाकर सेना के काफिले पर हमला करते हैं और बकायदा वो जो एक रणनीति तैयार करते हैं, कहीं ना कहीं उस रणनीति में सफल भी साबित होते हैं और एक बार फिर हमने 5 जवानों को खो दिया है। ठीक अगर पिछले महीने की बात की जाए तो 22 नवंबर को भी 5 जवानों की शहादत हुई थी और बात करते हैं तो दोपहर करीब 3:45 पर 5 जवान की शहादत की खबर सामने आई। गुरुवार तक 4 जवानों की शहीद होने की खबर थी, लेकिन हमले में गंभीर रूप से घायल एक जवान ने शुक्रवार को दम तोड़ दिया। अभी भी 2 जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है, फिलहाल ऑपरेशन लगातार जारी है।
बात की जाए तो दोपहर को 3 बजे 4 जवानों के शहीद होने की खबर सामने आई थी और जिस इलाके में जो है राजौरी में सुरक्षा बलों को ये इनपुट्स मिले थे कि यहाँ पर जो है लगभग 10 से 20 आतंकी छिपे हुए हैं। ये इनपुट्स मिलने के बाद जो है सुरक्षा बल वो इस इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी संयुक्त ऑपरेशन अभियान चला रही थी और इसी दौरान जो है इस ऑपरेशन में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे जा रहे थे और इसी दौरान जो है जिप्सी से सुरक्षा बल राजौरी के इलाके में जा रहे थे जहां पर पिछले 24 घंटे से मुठभेड़ चल रही थी और इसी दौरान जो है आतंकियों ने घात लगाकर सेना के 2 वाहनों पर हमला कर दिया। PFF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। बात की जाए तो अब सवाल जो है इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार केंद्र सरकार जो 370 और 35 ए हटाकर जम्मू कश्मीर में जो अमन चैन शांति की बात करती है वो बिल्कुल ही गलत है। किस तरीके से जो है आतंकवादी वहां पर नापाक साजिश रचते हैं, रणनीति तैयार करते हैं कि कैसे आम लोगों को टारगेट किया जाए, कैसे सेना को टारगेट किया जाए और बकायदा वो अपनी रणनीति में वो अपने मंसूबे में सफल साबित होते हैं और एक बार फिर हमने जो है 5 जवानों की शहादत दी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।